Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पानी थोड़ा थोड़ा गिराते जाओ, चलो चलो। Lonely cremation of Virinder Paswan in Srinagar. The Golgappa seller from Bihar was shot dead by militants on Tuesday. A tweet on Friday said the family did not have enough money to take back the body home. Former Chief Minister Umar Abdullah tweeted that it was a shame that no one in Jammu and Kashmir government helped the family to send the body back. Back in Srinagar, Pawan Paswan, also a Golgappa seller who did the cremation, said the family, after due deliberation, decided to do the cremation in Srinagar, even as the Jammu and Kashmir government offered all help and made arrangements to fly the body to Bihar. The family says lack of manpower, not shortage of funds, is responsible for holding his final rites in Srinagar. Pankaj ji, ye bataiye, aapne Srinagar mein kyun cremation ki, aapne unko Bihar kyun nahi liya? नहीं, लेकिन आदमी मेरे पास नहीं था, कैसे ले जाते? दो आदमी थे, दो आदमी कैसे ले जाता सर? उसको बॉडी को ले जाना इतना आसान नहीं है ना। तो जो पैसे आपके पास थे कि पैसों की कमी थी? ना, पैसे कमी का नहीं, डीसी साहब ने तो 25,000 नगद दिया, 1,00,000 का चेक काटा उसका पत्नी के नाम से, और ये भी बोला कि अगर आप ले जा सकते हो तो आपके लिए फ्लाइट तैयार है, आपके लिए सुविधा यहाँ तैयार है, आप तैयार हो आदमी ले चलो। लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं, किसी चीज का कमी नहीं, पावर की कमी थी आपके पास, लोग नहीं, लोग नहीं था मेरे पास, इसीलिए हम बॉडी है, हर कोई भी डरते हैं सर, उठाना है बैठा, यहाँ से ले जाएगा पटना में उतारेगा, पटना में फिर हमको गाड़ी रिजर्व करना है, ले जाना है, उठाना बैठाना। उस बारे में डीसी साहब ने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? उसने तो बोला पूरा सुविधा है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे तरफ से, आप ले जाइए, सुविधा में कोई चीज का कमी नहीं रखा उसने पूरा। फिर हम लोगों ने मशवरा उसको घर वाले के फोन किया, बड़े बेटे को पूछा, तो हमने बोला जो यहाँ करना है वही वहाँ भी करना है, बोलो क्या करना है? तो उसने बोला जो अच्छा लगता है वही कीजिए। तो फिर आपने मशवरा किया कि हम आपस में मशवरा किए कि चलो यहीं कर देंगे, अच्छा रहेगा। Srinagar Mayor Junaid Mattoo tweeted that he will go to Bhagalpur in Bihar to meet with the family of the street vendor. In a subsequent tweet, he said that he will meet them in Srinagar after he was informed that the family had chosen for cremation in Srinagar. DC Srinagar has already handed over ₹1.25 lakh ex gratia to the next of kin of Virinder Paswan and promised more help. रात को हुआ सर, फिर वो सोबरा अस्पताल में था, हम लोग यहाँ वहीं पे गए, देखे तो वो बंद था, फिर वहाँ से उठाया तो ले गया वहाँ पे, क्या बोलते हैं, हाँ बॉडी वहाँ पे ले गया। फिर हमको दिन भर लग गया डीसी वापिस में ना, इधर उधर करना है, पहले थाने में गए, वहाँ पे भी लाल बाजार थाना, वहाँ भी कुछ लिख उसको करना था, फिर हमको लेके गया थानेदार वहाँ डीसी वापिस, वो भी साथे में था। तो आपने खुद ही क्रिमेशन किया? हाँ, हम ही लोगों ने किया, उसका घर का परमिशन लेके, उसको विक्रम पासवान है बेटे का नाम, उसने बोला तभी हम लोगों ने किया। अच्छा, ये बताइए, ये इंसिडेंट होने के बाद आपने किसी तरह का कोई डर या खौफ है? नहीं सर, डर तो हमको, अगर डर रखेंगे, हमको चार बच्चे हैं घर में, बीवी है एक, फिर उसको हम क्या देंगे खाना खाने के लिए? अगर डर रहेगा हम घर भाग जाएंगे या घर में यहाँ कमरे में छुप के रहेंगे, फिर बच्चे को क्या देंगे खाना? हम उससे मत, मेरा डर खत्म हो जाएगा। आप कब से यहाँ पे काम? मुझे यहाँ 27 साल हो गया सर, 27 साल। 27 साल से अभी गोलगप्पे, कभी गुल्फी, कभी सॉफ्टी बेचते, कभी सर्दी में मटर बेचते, हाँ यहाँ 10-12 साल हम रखे हैं। तो इनका परिवार भी यहीं पे था? ना, इसका नहीं था। अच्छा, ये अकेले रहते थे? हाँ। तो आपने क्या सोचा है? आप सोचे हैं कि उसको थोड़ा कागज पत्र जो भी करना है करके उसको भाई को घर भेजेंगे, उसको काम क्रिया करना है ना घर में। तो आप यहीं पे रहेंगे? हाँ, हम लोग यहीं तो आते जाते ना, यहाँ पे मकान मालिक के साथ भी आते, कभी आता है सीआरडी इंस्पेक्टर, उसको जवाब देना पड़ता रहता था ना, वो अकेले रहता था कमरे में। तो आप अपने परिवार के साथ यहीं पे रहेंगे, तो उनके जो वो चीज़, भाई है, भतीजा है, वो जाएंगे घर। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट है? अब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, जो तो नहीं जानता वो कुछ से कुछ बोल देता है, वो तो वो क्या जानता है, हमने जब बचपन यहाँ बिताया, आज बूढ़ा हो गया, देखिए सफ़ेद हो गया मेरा दाढ़ी, कैसे लोग हैं वो तो
दूसरे को मत पता हमने यहाँ निकाला इतना टाइम, इसी से हमारा रोजी रोटी घर बच्चे पला रहा है। Pawan Paswan says that he has been living in Srinagar with his family for years altogether, and it was only after discussions and deliberations the family decided to hold the cremation in Srinagar. In Srinagar with Haris Togo, Zafar Iqbal. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.